हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी 2024 अगले साल का, मतलब इसी साल 2024 में दिसंबर में आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे क्रैक करेंगे, उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाएगा दिसंबर वाले को, जो लगभग अब से 11 महीने का समय है, अब से बाद में 11 महीने का समय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों भाई यहां पे लिखा है कैसे, लेकिन मेरा पहले सवाल है क्यों, आरएमएस क्यों जरूरी है, आरएमएस के लिए कौन एलिजिबल है इस साल के लिए, और उसमें हम अपना बच्चा कैसे उसमें सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैं इसमें मोटी मोटी बात बताऊंगा जो जरूरी है भाई, पेरेंट्स को जरूरी है बहुत सारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इतना हाई कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन क्यों है, इस स्कूल में इतना क्यों है, ये भी कई कई चीजें हैं। यहाँ पे देखो पेरेंट्स का डाउट क्या आता है कि मुझे तो नहीं भेजना अपना बच्चा आरएमएस, मैं तो सैनिक में भेज लूंगा या मैं तो दूसरे स्कूल में भेज लूंगा, इसमें ऐसा क्यों भेजू मैं। पेरेंट्स का डाउट यही तो है कि मैं अपने बच्चे को आरएमएस में क्यों भेजू। सबसे पहले तो आरएमएस में कितने स्कूल है, 5 स्कूल है, इसके अंदर 5 स्कूल आते हैं। ठीक है, और इन 5 स्कूल में एडमिशन के लिए होता है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कब होता है, दिसंबर में होता है। तो इस बार भी कब होगा, ये दिसंबर 2024 में होगा। तीसरी बात, इसमें कौन बच्चा जा सकता है, बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या 6 में पढ़ रहा हो, एक बात, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपका 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, मतलब ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक सी नीड हो गई बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल होता है मुझे जाना क्यों है आरएमएस में, ऐसा आरएमएस में है क्या, मैं कारण बताता हूं भाई मोटे मोटे क्या कारण है। आरएमएस में सबसे पहला जो जाने का कारण है, सबसे पहला कारण लिख रहा हूं, मैंने बताया ना कैसे, तो ठीक है कैसे तो हम बता रहे हैं, वहां से पता चल गया आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। अब देखो क्यों, सबसे पहले पहला कारण है इसका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर मतलब आरएमएस में बच्चा चला गया तो कितनी फीस लगेगी, आरएमएस में डिफेंस वालों की लगेगी 25,000 सालाना सब कुछ, और सिविलियन की लगेगी 50,000 सब कुछ। ठीक है भाई, 50,000 सब कुछ। इसमें भी जिसकी आय, जिस परिवार की आय 3,00,000 सालाना है, मतलब वही 10-15 बीघेगा, अगर 20 बीघेगा किसान भी है, कोई 20 बीघेगा किसान भी है, तो ये फीस भी वापस हो जाएगी, ये भी वापस हो जाएगी। ठीक, तो मैं अगर इसको मोटे तौर पे कहूं तो इसमें है, इसमें बच्चा पढ़ रहा है बिल्कुल फ्री में, मेरा तो मानना भाई है 20-25,000 रुपए कुछ नहीं होते आज की में, बिल्कुल फ्री में बच्चा पढ़ रहा है। नंबर एक कारण तो मैंने ये बता दिया आपको, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 5 स्कूलों में बच्चे की पढ़ाई का कुल खर्चा 6 से लेके 12वीं तक 25,000 रुपए महीना इंटू 6, 2,00,000 रुपए, वो भी वापस हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है, मुफ्त में पढ़ रहा है, पहली बात। नंबर दो कारण, और जो जरूरी भी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई कैसी हो रही है इनमें, पढ़ाई कैसी हो रही है। नंबर दो, पेरेंट चलो पैसे भी दे देगा, ज्यादा भी दे देगा, पढ़ाई भी हो रही है ना, पढ़ाई के मामले में इनका रिजल्ट एनडीए में सबसे ज्यादा सिलेक्शन है इनके, चेक कर लो एनडीए में, एसएसबी में, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है गवर्नमेंट जॉब में, इनमें से सबसे ज्यादा सिलेक्शन है, आईआईटी में, नीट में सबसे नंबर वन पर है ये स्कूल, इनकी वेबसाइट पर भी है, ये है भी। नंबर दो। नंबर तीन, क्यों, फिजिकल एक्टिविटी, आजकल स्कूलों में एक दिमाग लग गई है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ होती नहीं, बच्चे दोनों से हो जाते हैं पेटू से, ठीक है, मतलब बच्चा 15 साल की उम्र में बच्चा लगता है 25 का, पेट ऐसा निकल जाता है मोमोज टिक्की पकौड़े खा के, ठीक, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम फिट, फिजिकल एजुकेशन सबसे बेस्ट मिलती है, धोंधू बच्चा जो पेटू बच्चा उससे बचा देते हैं। ठीक है, नंबर तीन। नंबर चार, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मास्टर है भाई यहाँ पे,
नंबर चार डिसिप्लिन अच्छा रहता है। नंबर पांच मोबाइल वगैरह इनकी लत होती नहीं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर छह आर्मी का कोटा, देखो जब आर्मी का एक यहां पर जब आर्मी से पढ़ते, देखो ये आर्मी के स्कूल है, तो जब भी वो कहीं भी जाता है तो आर्मी वालों को उसको स्पेशल एक फोकस अटेंशन बच्चे को मिलती है। एक मैं इनकी कमी बता दूंगा, देखो सारी अच्छी बात बता, एक कमी बता दूंगा मैं इनकी, और कमी बड़ी है, मुझे नहीं लगता ये ठीक उसको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रैगिंग की बात मैं बार बार सुनता हूँ, रैगिंग मतलब यहाँ पे ना एक सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ ज्यादा ही है, जो फौज में भी होती है, मतलब जो डिफेंस के बच्चे जाते हैं तो ओके हैं, लेकिन अगर नॉन डिफेंस के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो संकट के घेरे में रहते, तो वहां पे थोड़ा सा आते हैं। देखो जब इतनी सारी चीजें अच्छी मिलेगी तो कुछ तो एक आदमी तो गलत भी गले पड़ेगी ना, समझ गए ना। तो ये कुछ यहाँ पे एक वीकनेस है, रैगिंग वगैरह होती है, सीनियरिटी जूनियरिटी रहती है यहाँ पे इस स्कूल में। ये मैंने सारे पांचों स्कूल्स का मेरे पास रिव्यू जो पेरेंट्स से आता है वो ये तो आता निकल के, ठीक है। तो पता चल गया क्यों जाना चाहिए, अब कैसे, अब जो मेरा मूल सवाल था कैसे, उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। और मैं मूल सवाल पे आऊं, हमारा फाउंडेशन बैच RIMC का लॉन्च हो चुका है, 10 फरवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको अभी से इसमें अपना ज्वाइन कर लेना है। जून सेशन के लिए हमारा रहेगा लाइव, और प्लस इसमें आपका रिकॉर्डिंग वगैरह सारा, और सैंपल पेपर अभी जो 28 जनवरी को पेपर है उसमें इन सैंपल पेपर के बिना प्रकट मत होना, नहीं तो प्राइवेट सैनिक स्कूल के भेंट ना चढ़ जाओ बच्चों, आप फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए, ठीक है। फिर आप कहते हो सर मुझे नहीं करना इसमें, ठीक। इस तरह के दमदार से पेपर आएंगे, दंदनाते 5 पेपर दंदनाते, ठीक है, बिल्कुल। यहां ले आए 250, समझो कि सैनिक स्कूल में भी 250 है। अब बात करते हैं हम कैसे, देखो हमारे प्लेटफॉर्म पर दो तरह से तैयारी कराई जाती है, एक होती है ऑनलाइन या लाइव क्लास के थ्रू, ठीक। उसमें क्या होगा, उसमें चलेगी आपका डेली 5 से लेके 8 बजे तक लाइव क्लास, ठीक। साथ में आपको मिलेगा वीडियो कोर्स, साथ में मिलेगी टेस्ट सीरीज, मिलेंगे मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, और ये क्लासेस चलेंगी 1 मार्च से 1 मार्च से। एनरोलमेंट जारी है, लग जाओ 8-9-10 महीने इसमें देने पड़ेंगे। अभी से इस कोर्स को ले लो, क्योंकि वीडियो कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, तो अभी से आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। दूसरा है हमारा हॉस्टल बैच, और हॉस्टल बैच जब मैं कहता हूँ सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है भाई। यहाँ पे हम लोग बाद में रिजल्ट ही नहीं क्लियर करते ढूंढ डाल के, ऐसा काम नहीं करते हम। जैसे ही इस बार हमारे बच्चे यहाँ पे हमारी सीट फुल होंगी, हम 1 साल पहले ही बता देंगे कौन कौन सेलेक्ट होगा, बस जिस दिन बच्चा हमारी एकेडमी में आता उस दिन बता देते हैं हम पेरेंट्स को सेलेक्ट और नॉट। बाद में बहाने नहीं खोजते दर उधर की बातें, बुखार चढ़ गया, फीवर हो गया, मम्मी माँ चला गया, एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया, एग्जाम टफ आ गया, वो हो गया, पर ऐसे बहाने नहीं खोजते हम। तो हॉस्टल बैच सिलेक्शन की गारंटी है, तो ये दो तरीके से हम तैयारी कराते हैं। तो आपको अगर RMS को क्रैक करना है तो मेरा मानना यह है कि अभी से इनमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, चॉइस आपकी है अभी। देखो अगर आप घर पे बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं तो मैं कहूंगा ऑनलाइन बेस्ट है। अगर पेरेंट अपने बच्चे को घर पे 4 से 5 घंटे डेली उसके साथ हैं तो ऑनलाइन इज द बेस्ट, और नहीं तो पेरेंट कोई सर में दर्द नहीं लेना चाहता, टेंशन फ्री रहना चाहता और सिलेक्शन चाहता है। अगर पेरेंट चाहते हैं कि सिलेक्शन चाहिए और मुझे कोई सर में दर्द नहीं लेना बस, तो फिर हॉस्टल से होगा उसका काम। कैसे ज्वाइन करेंगे, 9528271121 इस नंबर पर, जो स्क्रीन पे भी चल रहा होगा नंबर, नीचे जो पट्टी चल रही है उस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, लेकिन डिसीजन अभी लेना होगा, टाइम देना होगा। अभी ये 11 महीने हैं, धीरे धीरे कितने हो जाएंगे, धीरे धीरे रह जाएंगे 10, फिर रह जाएंगे 9, और जितना कम समय होता चला जाएगा इतने ही आपके बच्चे की संभावना सिलेक्शन की कम होती चली जाएगी, सिलेक्शन का संभावना कम होती चली जाएगी, ध्यान रखना भाई। देखो अभी अगर आप तैयारी कराते हैं, अभी है 11 महीने, सिलेक्शन के चांस हाई, 10 में थोड़े कम, 9 में और कम, 8 में और कम, और जो 3-4 महीने पहले तो खत्म होते हैं, उनको कुछ नहीं होता,
वो तो एक मिठी गोली होती है, मिठी गोली बच्चों को खिला दी ना, लॉलीपॉप टाइप की, ले बे टॉफी ले ले बच्चे खुश हो जा, वो तो वो होता है। इसीलिए तो 157,000 देने जाएंगे, अभी अभी सैनिक स्कूल का पेपर होगा, 157,000 पेपर देने जाएंगे, 154,000 मिट्टी गोली केक लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई। पेरेंट्स जाएंगे उनको पेपर दिलवाने, केले की फली और उनको मूंगफली वगैरह इस तरह खिलाएंगे, टहलाएंगे, सर्दियों में घूमेंगे, घूम के अपना पेपर आ जाएंगे और बाद में फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल वगैरह पे टकटक लगा के देखेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स शुरू से ही तैयार है वो ले जाता है वही सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन निश्चित माना जाता है। तो आपको भी इस तरह का डिसीजन लेना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको बेस्ट चॉइस लगे उसके अकॉर्डिंग आप चुनिए, डिसीजन लीजिए। आरएमएस में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कोचिंग में या ऑनलाइन कोर्स में जो भी आपके पैसे लगेंगे, ठीक है, मेरा मानना है कि हद से अधिक 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, चलो मान लो, ठीक है, और आपका बच्चा आरएमएस में चला गया, 12वीं तक फ्री पढ़ेगा, ठीक है, फ्री पढ़ेगा, साथ में कामयाब भी होगा, ठीक है, इन्हीं पैसों में कामयाब भी होगा, बड़ी नौकरी पे भी जाएगा, सारे काम होगा। अभी क्या है, अभी आपने माने चलो ये बचाए, बच गए, अब तो बच गए, बचने के बाद 6 में दोगे, 7 में दोगे, 8 में दोगे, 9 में दोगे, 10 में दोगे, 11 में दोगे, खूब दोगे, और देने के बाद क्या मिलेगा, कोई संभावना नहीं इसकी, हो सकता है एमटीएस का पेपर भी मुश्किल निकले, ऐसा ही तो हो रहा है आजकल, स्कूलों से पढ़ रहे हैं पब्लिक स्कूल से एमटीएस का पेपर नहीं निकाल पा रहे, आजकल बच्चे एमटीएस के पेपर में लड्डू बन जा रहे हैं, लट्टू बन जाते हैं एमटीएस के पेपर में, आपके कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, डिसीजन लेना है, कठोर डिसीजन है, कष्ट होगा, आपको दिक्कत आएगी, पेरेंट्स को दिक्कत आएगी, बिल्कुल भाई देखो बच्चे को पढ़ाना है तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से आपको एक डिसीजन लेना है, पट्टी पे जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।